everyone. आज फ्लेवर्स ऑफ इंडिया में जो मसाला हम तैयार करने जा रहे हैं वह है कढ़ाई मसाला। यह बनाना बहुत आसान है और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वे हैं 50 ग्राम सूखा धनिया, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, 25 ग्राम जीरा, 25 ग्राम सौंठ पाउडर, 10 ग्राम काली मिर्च, 10 ग्राम लौंग, 10 ग्राम बड़ी इलायची, 10 ग्राम छोटी इलायची, 8 से 10 तेजपत्ता, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी, 1 टेबलस्पून अजवाइन, 4-5 जावित्री के फूल, सूखी हुई मेथी की पत्तियां, 2 टेबलस्पून सौंफ, 4 चक्रफूल और 2 टेबलस्पून हल्दी। अब जितने भी हमारे खड़े मसाले हैं जो पाउडर फॉर्म में नहीं हैं, उनको एक कढ़ाई में डालकर हमें हल्की आंच पर थोड़ा सा भूनना है। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि मसालों को हमें सिर्फ उतना ही भूनना चाहिए कि वो हल्की सी खुशबू देने लगे। उनका रंग हमें बदलने नहीं देना है, क्योंकि अगर उनका रंग बदल जाता है तो वो अपना स्वाद खो देते हैं। तो हमें इन्हें जैसे ही हल्की आंच पर ये भूनते समय अपना खुशबू देने लगे तभी हमें गैस ऑफ कर देनी चाहिए और इसे ठंडा होने रख देना चाहिए। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो हमें इन्हें मिक्सी में चला लेना चाहिए। मिक्सी में हमें बारीक पीसना चाहिए, लेकिन इसको छानने की जरूरत छलनी से नहीं है। और जब ये मिक्सी में पीस लें तो उसके बाद जो हमारे पाउडर फॉर्म में मसाले हैं जैसे सॉल्ट पाउडर, हल्दी पाउडर आदि, उन सभी को इसमें अच्छे से मिक्स कर देना चाहिए। देखिए, हमारा कढ़ाई मसाला रेडी है और हमने इसको तैयार करके अपना एक एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बहुत बारीक पिसा हुआ नहीं है, तो हमें इसी फॉर्म में इसको तैयार करना है। और जब भी हम कढ़ाई पनीर, कढ़ाई चिकन या वेजिटेबल फ्राई बना रहे हैं तो हम उसमें ये मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। थैंक यू।